नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रेनू। मनेंद्रगढ़ के में कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी की टीम की रेड पड़ी है। जहां रायपुर के कारोबारी के ठिकानों पर जांच, तीन अलग अलग फर्मों में चल रही है रेड। दो गाड़ियों में रायपुर से आई जीएसटी की टीम। मनेंद्रगढ़ में कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम की रेड। रायपुर के कारोबारी के ठिकानों पर जांच, तीन अलग अलग फर्मों पर चल रही रेड। दो गाड़ियों में रायपुर से आई जीएसटी की टीम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। तो रायपुर के कारोबारी के ठिकानों पर जांच चल रही है, तीन अलग अलग फर्मों पर जांच हो रही है। जीएसटी की टीम ये रेड कर रही है। पूरी तैयारी के साथ टीम पहुंच चुकी है कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी की टीम की रेड। दो गाड़ियों में रायपुर से आई जीएसटी की टीम। और संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गया है। सुजीत, कारोबारी के कई ठिकानों पर जीएसटी टीम की रेड है, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, आप बता दूं कि सुबह अल सुबह जो की है रायपुर से दो टीम आई हुई थी और जो कि मनेंद्रगढ़ के अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग जगह का फर्म पर जांच कर रही है और अलग अलग टीम जो है रायपुर से और मनेंद्रगढ़ से जो पुलिस, स्थानीय पुलिस की मदद ले जाकर के वहां पे टीम ने दबिश दी है और लगातार जो की जांच चल रहा है। तीनों जो फर्म है वो रायपुर के से जुड़ा हुआ दिखाई, अभी तक जो जानकारी मिली है जो रायपुर से जुड़ा हुआ मित्तल कॉम्प्लेक्स में है, जो कि मनेंद्रगढ़ में है और मित्तल कॉम्प्लेक्स गुरुनाथ चौक में तमाम जो वहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वह सुबह से ही जो है वहाँ पे घिरे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं कि जांच अभी फिलहाल जो है जीएसटी टीम चल रही है फिलहाल। जी जी बिल्कुल सुजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम की रेड पड़ी हुई है और अभी और वक्त लगेगा जांच कार्रवाई के लिए, क्योंकि तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और भी कई खुलासे होने की संभावना प्रबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT भिलाई के परिसर का वर्चुअली शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी और इसके अलावा कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। IIT भिलाई का परिसर देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य करीब 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। वहीं इसको लेकर CM विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया और इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना पड़ेगा। पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने IIT भिलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब ये IIT भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा, पूरे मनोबल के साथ वो पढ़ाई करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ भी हम लोगों को करना पड़ेगा और उसमें IIT भिलाई का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज ये जो IIT परिसर समर्पित हुआ है ये हमारे बच्चों के एक अच्छा वातावरण देगा। आज पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बड़ी घोषणा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुफ्त रेत देने की घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा में की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बात की घोषणा की, जहां ग्राम पंचायत को पीएम आवास योजना के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य में 18 लाख मकान बने और उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ही बड़ी घोषणा है कि 18 लाख मकानों के लिए अब मुफ्त में रेत उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, सीएम विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कंगाल होने के बयान पर कहा कि उन्होंने तो खुद लाभ का बजट पेश किया, हमने भी लाभ का बजट पेश किया था, फिर कैसे आर्थिक रूप से कमजोर किए हम। मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह है, उसने तो लाभ का बजट प्रस्तुत किया, हमने भी लाभ का बजट प्रस्तुत किया, तो बदहाली कहां हो गया। यदि बदहाली होता तो घाटे बजट प्रस्तुत करता। जो जो 3% से कम उनका घाटा है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। यदि हम बदहाली करते तो अभी जो बजट में जो आर्थिक उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें परिलक्षित होता। तो मुख्यमंत्री, अब उनको जितना बोलवाया जाता उतना बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होगी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कांग्रेस डूबती नैया हो गई है, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पर प्रलोभन देने का आरोप हास्यास्पद है। कांग्रेस को कहा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती नैया हो गई है, सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की ओर से लालच देने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। किरण सिंह देव ने कहा कि उनके नेताओं को लालच देने का प्रश्न कहां से उठता है। अगर उन्हें कोई संदेह है तो उन्हें अपने संगठन में पता करना चाहिए कि स्थिति क्यों पैदा हुई। अगर बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश हुई है तो उन्हें खुलासा करना चाहिए। देने का प्रश्न कहां उठता है, और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर किसी प्रकार से कोई शंका संदेह है तो अपने संगठन में श्री भूपेश बघेल जी को देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का अपने ही संगठन से मोह भंग हो रहा है। ये तो चिंता उनकी होनी चाहिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रयास हुआ है तो उस पर खुलासा करना चाहिए। टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में सभी 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के दावे खोखले हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल हुआ है वही लोकसभा में होगा। मोदी की गारंटी और सीएम साय का काम कम समय में धरातल पर दिख रहा है। कि इस विषय पर, इनके संगठनात्मक की कमियों के विषय पर मेरा बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मेरा काम अपने भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सुदृढ़ता प्रदान हो, कार्यकर्ताओं में समन्वय, पदाधिकारियों में समन्वय, वरिष्ठ नेताओं का और लगातार पार्टी में कार्यक्रमों को लेकर प्रवास, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काफ़ी संपन्न है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों को नीचे तक पहुँचाते हैं, कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान, विधानसभा में हार के लोकसभा के लिए सीख, ओवर कॉन्फिडेंस में हम हारे विधानसभा चुनाव। कुछ लोग ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आ रही है, इन गलतियों से सबक ले चुके हैं, बहुत जल्दी नामों की घोषणा होगी, सीधे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम भेजे जा चुके हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान, विधानसभा में हार के लोकसभा के लिए सीख मिली है। ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा कि हमारी तो सरकार बन रही है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ था पूरे प्रदेश में, सारे किसान खुश थे, नौजवान खुश थे, युवा महिलाएं, SC ST सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ था निश्चित रूप से उससे कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता उत्साहित थे, और हो सकता है ज़्यादा उत्साह भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें पार्टीगत चर्चा हुई है तो उसमें अब जो पिछली समय में जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को हम आने वाले समय में दूर करेंगे।
मातारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। प्रदेश भर से अब तक 62 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। आवेदनों की जांच के बाद पात्र महिला हितग्राहियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए खाते में जमा होंगे और इसमें 21 वर्ष से अधिक विवाहिता, विधवा और तलाकशुदा महिला शामिल हैं। मातारी वंदन योजना की आज अंतिम तिथि है और आज पूरे प्रदेश भर में जो आवेदन भरने का दौर है लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में मातारी वंदन योजना के लिए अब तक 62 लाख से अधिक आवेदन हैं वो आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं और आवेदन कर रही हैं। खास बात यही है कि राज्य सरकार हर साल 12,000 रुपये जो विवाहिता महिला हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा है, उनके अकाउंट में देंगी साल भर में 12,000 रुपये और प्रतिमाह 1,000 रुपये उन्हें मिलेगा। लेकिन आवेदन जो करने का सिलसिला है अभी भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज एटन रायपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां तोरवा थाना क्षेत्र के देरी खुर्द अटल आवास में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बसने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने IGSP नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने वेरिफिकेशन की मांग की है। सर्वे में 65 परिवारों के अवैध कब्जे का खुलासा हो चुका है। इलाके में अपराध बढ़ने का भी आरोप लगाया गया। निगम ने पुलिस को सौंपी है सर्वे की सूची। जब से अटल आवास निर्माण हुआ वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग आके बसे और धीरे धीरे करके वहाँ आज उनकी संख्या 20 से 30 घरों की हो गई है और आज दो साल पहले तो बता रहा हूँ 15-20 थे, आज बहुत ज़्यादा संख्या है। अभी वहाँ से देखने में अधिकतर लोग पहचान में नहीं आते कि वो यहाँ के हैं नहीं। और पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ जब 17-18 की बात है, तोरवा थाना को सूचना भी आई थी कि वहाँ बांग्लादेशी कनेक्शन है, बांग्लादेशी से फ़ोन आता है वहाँ, उसकी भी उस वक्त के TI साहब जाँच किए थे। अभी वहाँ ये भी है कि वहाँ धर्मांतरण, आप वीडियो जो अभी न्यूज़ में चल रहा है उसमें भी देख सकते हैं कि कुछ लोग, हिंदू लोग जिन चोटीधारी वहाँ नमाज वमाज पढ़ रहे हैं। अब ये हम चाह रहे हैं कि उनका जाँच हो, उनको विस्थापित किया जाए वो जगह से, जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे, जो लोग किराए में दिए हैं या जो भी वहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसको हटाकर वहाँ पर जो एक्चुअल गरीब हैं उनको रखा जाए वहाँ पे। जो गरीब लोग ले लेते हैं, चार चार उनका रहता है लेकिन वो वहाँ पे रहते नहीं हैं, उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। अटल आवास में कोई झाड़ फूँक के लिए या बीमारी को ठीक कर। मनेंद्रगढ़ में हितग्राहियों को PM आवास योजना में मकान देने के मामले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि मकानों की स्वीकृति मिलते ही ठेकेदार और दलाल ने ग्रामीण से धोखे से पैसे ले लिए। आधे अधूरे आवास बनाकर ठेकेदार रफू चक्कर हो गया। ग्रामीण 5 साल से ठेकेदार का इंतजार कर रहे हैं। ठेकेदार और दलाल ग्रामीणों के ATM कार्ड भी अपने साथ ले गए। कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधूरा है साहब, हमें पहली किस्त के तो हम बनवाए हैं ना, फिर दोबारा किस्त नहीं करवाए हैं तो बैजनाथ के दिए हैं। बैजनाथ अभी नहीं बनवा पा रहे। गए हैं बैजनाथ के पास आप लोग? गए हाँ, थे उसके हाँ, पास गए रहन। का कहता है? कहा थे बनवाई हूँ।